हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल। देखते हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं किस स्टेप से इसे हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ये बॉडी ऑफ मास 25 kg रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल इज कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ पुली एट द एज ऑफ द टेबल टू अनदर बॉडी मास 3.75 kg एंड हैंगिंग वर्टिकली एज शोन इन ए फिगर। कह रहा है एक हमारी टेबल है, एक दो बॉडी है, एक हमारा ये है ए है और एक बी है। ये क्या है, दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्ट हैं। यही हमारा कह रहा है क्वेश्चन, जिसमें एक पहले का जो मास है वह कितना है, ए का 25 kg है। तो भाई मान लिया इसका जो मास है, अब मास है तो भाई नीचे डाउन करेगा, mg होता है। मैंने मान लिया ये 25 g मान लिया, ठीक है। अब ये जो सेकंड का मास है ना, ये b का, वह कितना है, कह रहा है 3.75, ये भी g होगा, लो g1 लिख दिया, ठीक है। फिर कह रहा है कि इनिशियली द फ्रिक्शन बिटवीन 25 kg मास इसके एंड द टेबल इज जस्ट सुफिशियंटली टू प्रिवेंट द मोशन। क्या कर रहा है, उसको प्रिवेंट कर रहा है मोशन को, इसके बीच में फ्रिक्शन ही फ्रैक्शन हमारा क्या होगा। फिर कह रहा है कि इफ एन एडिशनल 1.25 kg इज एडेड, इस मास पे हम क्या कर रहे हैं ना, एक और यानी मास को अटैच कर रहे हैं, जो अनदर हमारा मास अटैच हो रहा है उसका जो वेट है वो कितना है, 1.25 है। यानी टोटल फाइनली यहां पर कितना हो जा रहा है, 3.75 प्लस 1.25, ये कितना हो गया, 5 हो गया, वो भी कितना होगा, 5 ग्राम होगा। यही तो कह रहा है हमारा क्वेश्चन। तो करके फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस, जो ये मास हैं इनका एक्सेलरेशन क्या होगा ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो ये 25 ग्राम नीचे वर्क कर रहा है तो इसका कोई ना कोई तो रिएक्शन होगा, मैंने मान लिया एन है। ये बॉडी क्या कह रहा है कि रेस्ट पे है, टेबल इज कनेक्टेड स्ट्रिंग ओवर ए स्मूथ पुली एज ऑफ द मास कनेक्टेड अनदर बॉडी मास इतना, ये हैंग कर रही है तो जो इसका टेंशन है वो इस तरीके से काम कर रहा है इसके लिए, ए के लिए। और इसका क्या होगा, ये एक्सेलरेशन होगा कुछ ना कुछ। जब बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है तो जो इसका फ्रिक्शन फोर्स होगा वो ऐसे लगेगा, अपोजिट लगेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो हम कह सकते हैं बॉडी ए के लिए जो एन है वह कितना है, 25 ग्राम है। और जो हमारा टी है इसका वह कितना है, म्यू एन है। अगर इस बॉडी को हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाना है, इक्विलिब्रियम के लिए तो क्या होगा, अगर हम इसका देखें तो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि 5 है, अभी इसको यहीं रहने दो, फिर बात करते हैं। अब इस पे थोड़ा बात करते हैं बी के लिए। अब बी के लिए भी देखो यहां पे क्या होगा, इसका जो फाइनली पहले जो हमारा जो टेंशन था वो टी इस तरीके से वर्क कर रहा था, जो हमारा टी है और ये हमारा जो एम है वो 3.75 g था। अभी हम 5 की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम यहीं पे बात कर रहे हैं। तो क्या था, जो हमारा टी था इसके लिए वो कितना था, 3.75 g था, ठीक है। अब इसको मतलब क्या है, क्योंकि अभी हमें फ्रैक्शन नहीं पता, हमें म्यू का वैल्यू नहीं पता, इसलिए हम ये कर रहे हैं। अब देखो टी इक्वल टू क्या है, म्यू इंटू एन है। अब देखो जो हमारा टी है ना वो क्या है, 3.75 g है, इसकी वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं ना, ये जी। अब म्यू एन कितना है, 25 g है। अब ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा, अब हमें यहां से फ्रैक्शन पता चल जाएगा, म्यू 3.75/25, कैलसी का लेते हैं हेल्प, कितना है 3.75/25, कितना आ गया, 0.15, ठीक है। तो भाई म्यू हमारा 0.15 मिल गया, म्यू मिल गया ना। अब देखो ये फाइनली जो हमारा मास है वो कितना हो जा रहा है, 5 ग्राम हो जा रहा है, ठीक है। अब हम इस बी के लिए बात करते हैं, बीडी फाइनली बी बी का, जब ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। अब देखो यहां पे टेंशन टी तो वर्क कर रहा है ना, लेकिन जो टोटल मास है वो अब कितना हो गया, 5 g हो गया है, ठीक है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बात करेंगे बी को, अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखते हैं तो
तो हमारा क्या हो जाएगा, 5g माइनस टी इक्वल टू 5a, ये एक तरीके से हमारी इक्वेशन बनेगी भाई, यही तो बनेगी ना इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, ठीक है। ये बन गया हमारा इक्वेशन। अगर हम इसके लिए देखें तो यहां पे कितना हो जाएगा, देखो 25 है ए के लिए, बॉडी के लिए हम देखें अगर इक्वेशन बनाए इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, बीडी के लिए, तो क्या होगा यहां पे टी माइनस म्यू एन, क्योंकि अपोजिट अपोजिट, टी माइनस म्यू एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 ए हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन हो गई भाई, यही बनेगा। अब इसको सॉल्व करो, टी टी का वैल्यू कितना है, अभी रुको, टी माइनस, क्योंकि यहां पे क्या है म्यू और एन है, म्यू क्या है 0.15। अब जो हमारा एन है वह कितना है 25 जी है इस बॉडी के लिए भाई, ये हो गया 25 और जी, ये कितना है 25 और ए है, ओके। अब ये यहां से टी को निकाल लो, अगर हम टी को निकालेंगे यहां से कितना आएगा 5a माइनस 5g। अब ये माइनस के साथ में है ना, तो माइनस कॉमन ले लो यहां से, तो इसको कर दो 5g माइनस 5a, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा। अब टी का वैल्यू यहां पुट कर दो 5g माइनस 5a माइनस, अब इसका इससे मल्टीपल करोगे कितना आएगा, अब ये 25 इंटू 0.15 कितना आया 3.75, ओके। ये कितना हो गया 3.75 इंटू जी इक्वल टू 25 से 25 हो गया। अब ये यहां पे ये इस साइड जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा 5g माइनस 3.75g इक्वल 25a प्लस 5a। अब देखो यहां पे कितना हो जाएगा, अब यहां कैलसी करते हैं 5 माइनस 3.75 कितना आया 1.25g आया ना जी, इक्वल ये कितना आ गया 30a आ गया, ठीक है। अब जी का वैल्यू हम 10 रख लेते हैं, ठीक है, तो 1.25 इंटू 10 अपान कितना हो जाएगा 30a, दिख रहा होगा आपको a। तो इसको काम करो, सॉल्व करो, यहां पे कितना है 1.25 इंटू 10 इक्वल डिवाइड कितना है 30 है, ये हमारा 30 हो गया, कितना आएगा 0.41। तो जो एक्सीलरेशन है कितना आ गया 0.41 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस तरीके की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।